सुप्रभात आप सभी को। आज 3 जुलाई में जो भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है द हिंदी न्यूज़पेपर में, आज हम उसको कवर करेंगे। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज का पहला टॉपिक था, हम सबको पता है कि अभी रिसेंट लोकसभा इलेक्शन के बाद जो जॉइंट सेशन मीटिंग होता है विच इज़ हेडेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया, उसके बाद में जो मोशन ऑफ थैंक्स जो कंडक्ट होता है, तो उस पर अभी एस्टरडे हम सबने देखा था। कल जो राहुल गांधी ने लोकसभा में बताया उससे रिलेटेड ये टॉपिक था, और उसमें उस स्पीच में उन्होंने क्या बोला, जो अभी जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने क्या बोला, इस पर हमें ध्यान ना दे करके हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पॉर्टेंट है, हम उसको उसके बारे में आज हम एनालिसिस करेंगे। तो न्यूज़ में था ये पॉलिटी जीएस पेपर टू से रिलेटेड है कि लाइक आवर आफ्टर द पोर्शन ऑफ हिज मेडन स्पीच एज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा, राहुल गांधी का ये ब्लेम है, लाइक उनका ये कहना है, उनका कंप्लेन है स्पीकर लेट इज ओम बिरला से कि लाइक उनकी स्पीच से कुछ चीज़ें कट कर दिया गया है, मतलब एक्सपंज कर दिया है। तो हमें हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इम्पॉर्टेंट है कि व्हाट आर द रूल्स ऑन एक्सपंजिंग फ्रॉम द रिकॉर्ड। तो अंडर द आर्टिकल 105 क्लॉज 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट एन्जॉय द इम्यूनिटी फ्रॉम द कोर्ट प्रोसीडिंग्स। तो हमें ये आर्टिकल याद रखने हैं, क्या रूल्स होता है एक्सपंजिंग का फ्रॉम द रिकॉर्ड, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। बाकी उनके स्पीच से किसने क्या बोला, किसने क्या सुना, ये हमें ध्यान ना दे करके हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट है हम उस पर बात करते हैं। Then, however, their speeches are subject to the discipline of the rules of the parliament, the good sense of its members and the control of the proceedings by the speaker. Lekin, under the rule 380, the rules of the procedure and the conduct of the business in the Lok Sabha give the ye speaker ko ye discretion ek power deta hai to jo bhi agar words agar kisi ke defamatory ke liye agar aisa hai ya fir indecent hai unparliamentary words hai to ye speaker ke paas mein ye power hai ki usko wo us speech se us record se usko us words ko remove kar sakte hain। देन अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन की अगर बात करें, द लोकसभा जो सेक्रेटरिएट हैज ब्रॉट आउट अ बल्की वॉल्यूम ऑफ द अनपार्लियामेंट्री एक्सप्रेशन, दिस बुक कंटेन वर्ड्स और एक्सप्रेशन दैट वुड लाइकली बी कंसिडर द रूड और ऑफेंसिव इन द मोस्ट ऑफ द कल्चर्स। तो जो लोकसभा के सेक्रेटरिएट है उनका ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड स्पीकर ऑफ द लोकसभा कि जो भी अगर वर्ड्स कुछ ऐसा है जो लाइक रूड है या फिर ऑफेंसिव टाइप है तो वो लोग उसको रिमूव कर सकते हैं फ्रॉम द रिकॉर्ड ऑफ द पार्लियामेंट। ओके, एंड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर दैट इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा एंड द चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा दैट इज द आवर वाइस प्रेसिडेंट हैव द जॉब ऑफ कीपिंग सच वर्ड्स आउट ऑफ द पार्लियामेंट्स रिकॉर्ड। सेकेंड जो टॉपिक न्यूज़ में था वो इंटरनेशनल रिलेशन से था, दैट इज़ द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट। एज वी ऑल नो डैट अभी जो रिसेंट ये ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज़ हमें ये याद रखना है कि SCO क्यों इम्पॉर्टेंट है, और हम सबको पता है कि अभी आज के डेट में हमारा वर्ल्ड इज डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट, दैट इज़ 1 इज़ वेस्ट एंड अनदर 1 इज़ द रशिया साइड। सो एज दिस SCO दैट इज़ द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में हमारे मोदी जी ना जाके, जो हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी वहाँ पे नहीं गए, उनके प्लेस पे हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर हैं मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने अस्ताना में, अस्ताना इज़ द कैपिटल ऑफ द कजाकिस्तान, टू लीड द इंडियन डेलीगेशन एट द SCO काउंसिल ऑफ द हेड ऑफ द स्टेट इन द प्लेस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो हमारे लिए क्या इम्पॉर्टेंट है हमारे प्लेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि हमें ये पता होना चाहिए कि SCO क्या है, SCO में कौन कौन से मेंबर्स हैं, और हम सबको ये बात तो पता ही है कि संघाई कॉरपोरेशन जो ऑर्गेनाइजेशन है इट इज़ अ परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल इंटरनेशनल पार्टनरशिप्स है। ओके, सो लास्ट ईयर इंडिया हैज़ चेयर द संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, वर्चुअली किया था इंडिया ने इसको चेयर किया था, विच इज़ लीडर कॉल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड द मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर इन द ग्लोबल इंटरेस्ट। ड्यूरिंग द 23rd समिट ईरान को भी ऑफिशियली एज ए मेंबर ऑफ द SCO बना लिया गया है, ये हमें याद रखना है। देन सेकेंड,
क्या थीम था 23rd समिट ऑफ द सीईओ का, इज टुवर्ड्स अ सिक्योर सीएसईओ। ये जो एक्रोनिम है सिक्योर का, ये हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने इसको दिया था 2018 के समिट में। व्हाट इज इट स्टैंड फॉर द एस सिक्योर इज एज फॉर सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रिस्पेक्ट फॉर द सॉवरेनिटी एंड टेरिटोरियल इंटेग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इंडिया विच वॉज एडमिटेड एज ए फुल मेम्बर ऑफ द एसईओ। हमें ये भी याद रहना है कि हम इंडिया फुल मेम्बर कब बना एसईओ का, डेट इज़ इन द 2017। और ये जो प्रेसिडेंसीज होते हैं ये रोटेट होता रहता है। तो हमें हमारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है कि एसईओ के ग्रुपिंग में अभी नए नए कौन कौन से देश इसमें ज्वाइन हुए हैं। अभी बेलारूस का भी ज्वाइन होने का डिस्कशन चल रहा है, ओके, एंड अफगानिस्तान का भी। अभी थर्ड न्यूज़ था दैट इज़ रिलेटेड टू द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन इम्प्रूविंग द रूरल मोबाइल कनेक्टिविटी। ये हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी दैट इज़ GS पेपर 3 से रिलेटेड ये टॉपिक था। दैट इज़ मोबाइल डिवाइसेस हैव बिकम एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। वी ऑल नो दैट अभी हम कौन से जमाने में जी रहे हैं, दैट इज़ द फुल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग, डेटा साइंटिस्ट एंड एवरीथिंग, ओके। सो वी ऑल नो दैट हमारे जो डिवाइसेस जो टेक्नोलॉजीज हैं ये हमारे लाइफ के एक इंटीग्रल पार्ट में अभी इनको पार्ट बन चुके हैं। एक्चुअली द कनेक्टिविटी फॉर दिस डिवाइसेस इज एनेबल्ड वाया सेलुलर, दैट इज़ द मोबाइल वायरलेस नेटवर्क, ओके। सो टू टाइप्स के हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा नेटवर्क जो होता है टू टाइप्स का नेटवर्क होता है। एक होता है एक्सेस नेटवर्क, एक होता है कोर नेटवर्क। तो एक्सेस नेटवर्क क्या होता है, दैट इज़ कंसिस्ट ऑफ ए बेस स्टेशन। हमारे ये हमने देखा होगा कि हमारे घरों के आसपास एक नेटवर्क टावर लगाया जाता है, उसको हम एक्सेस नेटवर्क कहते हैं। वो बेस स्टेशन होता है जो प्रोवाइड करता है आपके वायरलेस कनेक्टिविटी टू मोबाइल डिवाइसेस इन अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया, दैट इज कॉल्ड एज द कवरेज एरिया। अ नेटवर्क ऑपरेटर यूजुअली इंस्टॉल द बेस स्टेशन अक्रॉस द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रीजन टू बी द कवर्ड। तो ये तो हो गया हमारा एक्सेस नेटवर्क के बारे में। अब हम देखते हैं, एंड दिस स्टेशन कैन बी सीन इन द फॉर्म ऑफ द टावर विद द बॉक्सेस विद द एंटीना ऑन द टॉप। ये हमारे हम सबके घर के आजू बाजू कहीं ना कहीं हमारे अगल बगल ही लगे ऐसे सारे नेटवर्क्स होते हैं, तो उनको हम एक्सेस नेटवर्क कहते हैं। अब हम देखते हैं कि कोर नेटवर्क क्या होता है। तो कोर नेटवर्क और द CN ऑफ अ सेलुलर नेटवर्क हैज इक्विपमेंट दैट प्रोवाइड्स द कनेक्टिविटी टू द अदर नेटवर्क सच एज द इंटरनेट। अनलाइक द एक्सेस नेटवर्क बेस स्टेशन, द CN दैट इज द कोर नेटवर्क ऑपरेट इन अ सेंट्रल लोकेशन एंड पॉसिबली फार फ्रॉम एनी ऑफ द बेस स्टेशन। सो द कोर नेटवर्क होता है इज लिंक टू अ बेस स्टेशन बाई अ ऑप्टिकल फाइबर। जो कोर नेटवर्क होता है जिसको हम इंटरनेट कहते हैं, वो हर एक बेस स्टेशन से कनेक्टेड होता है। किससे कनेक्टेड होता है, दैट इज़ अ ऑप्टिकल फाइबर। Data from the user's devices must pass through the both as a base station and the CN to reach its desired designation such as the internet or the another user devices. Even if two users are nearby and are connected to the same or the adjacent base station, the data must pass through the central core network, okay. The core network is essential to support user mobility, the key feature offered by the cellular network. Thank you so much. If you have any queries, you have any doubts, don't hesitate to call us or message us on or mail us on this information on this email ID, or else you can also connect us with the on the Instagram and the Facebook on the social media platform. So thank you so much. Thank you for the today's class.